26 अक्टूबर से अवधपुरी के मिल्टन पब्लिक स्कूल में संस्कार भारती नाट्य केंद्र के बैनर तले चल रहा राष्ट्रीय नाट्य एवं नृत्य महोत्सव रविवार को समाप्त हो गया। महोत्सव में अंतिम दिन राजामंड्री रेलवे स्टेशन से रंग जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में 14 राज्यों से आए कलाकारों ने अपने राज्य के लोक नृत्यों का प्रदर्शन करते हुए एकता में अनेकता का संदेश दिया। रंग जुलूस में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद मिल्टन पब्लिक स्कूल के चेयरमैन डॉक्टर राहुल राज ने बताया कि गत 19 सालों से नाट्य केंद्र और मिल्टन पब्लिक स्कूल आपस में मिलकर रंगोदय राष्ट्रीय नाट्य एवं नृत्य महोत्सव का आयोजन करता रहा है। कोविड के चलते 2 साल यह महोत्सव हुआ नहीं था। इस साल बड़े स्तर पर यह महोत्सव ताज नगरी की सरजमी पर आयोजित किया गया है। 19 वर्षों से लगातार रंगोदय जो निरंतर केशव प्रसाद सिंह जी के नेतृत्व में आयोजित होता चला रहा है, आज फिर से एक बार आगरा की शहर की सड़कों पर जहां लोगों को इंतजार रहता था, कोविड की वजह से 1-2 साल नहीं निकल पाई थी रंग जुलूस की यात्रा, लेकिन यहां की जनता की अपील पर फिर से कार्यक्रम मिल्टन पब्लिक स्कूल अवधपुरी में आयोजित हुआ और आज बहुत बड़े विशाल जुलूस के रूप में आज संस्कृति रक्षक सब सड़कों पर हैं और एक संदेश दे रहे हैं भारत में अनेकता का एकता का। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि आगरा की, आगरा में तड़ा आयोजन लगातार 19 वर्षों से हो रहा है। मिल्टन पब्लिक स्कूल में 19th रंगोदय का प्रोग्राम इस बार 5 दिन का हुआ है जिसका आज लास्ट डे है, जो कि रंग जुलूस के संग शाम को पुरस्कार वितरण के संग समाप्त होगा। इस रंग जुलूस में 14 स्टेट से करीब 500 पार्टिसिपेंट अपनी अपनी वेशभूषा में एक रैली निकाल रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर देखने योग है, क्योंकि एक मिनी इंडिया की झलक इस रैली के माध्यम से हमें देखने को मिलती है। और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि आगरा शहर में हर वर्ष डिफरेंट स्टेट से लोग यहाँ आते हैं और अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। रंग जुलूस में कलाकारों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद संस्कार भारती नाट्य केंद्र के अध्यक्ष पंकज सक्सेना ने बताया कि महोत्सव काफी सफल रहा। इस जुलूस में 14 राज्यों से 500 कलाकार अपने प्रदेश की अनूठी संस्कृति का प्रदर्शन कर रहे हैं। ये संस्कार भारती नाट्य केंद्र एंड मिल्टन पब्लिक स्कूल के द्वारा आयोजित ये रंग महोत्सव जो कि आज इसका 29 तारीख है, आज रंग जुलूस निकल रहा है ये राजामंडी रेलवे स्टेशन से लेकर के और शहीद स्मारक तक जाएगा और इसमें हमारे पूरे देश की जो 14 राज्यों की जो टीमें हैं लगभग 500 कलाकार यहाँ आए हुए हैं जो कि अपने अपने प्रदेश की भूमिका में यहाँ प्रदर्शन करते हुए निकलेंगे। 19वां संस्कार भारतीय नाट्य समारोह पिछले 4 दिन से मिल्टन स्कूल में लगातार चल रहा है। 14 शहरों की टीमें यहाँ पर आई हुई हैं और उनकी प्रस्तुतियाँ हो चुकी हैं। आज समापन है, रंग जुलूस निकल रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान के जो कलाकार हैं वो आज सड़कों पर हैं। अभी जाकर के शाम को डांडिया और पुरस्कार वितरण है, तो आइए शहर के लोग सारे लोगों से अपील है कि इस जुलूस को देखें और सुनें। मैं बलिया की बागी बलिया की धरती से पचगावा से आया हूँ। यहाँ जो संस्कार भारती नाट्य केंद्र के माध्यम से इतना अच्छा कार्यक्रम आगरा की धरती पर किया जा रहा है, इसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। 26 तारीख से लेकर 29 तारीख तक ये कार्यक्रम चल रहा है, आज इसका आखिरी दिन है जिसके लिए भव्य जुलूस की आपको झांकी दिखाई देगी। इसके लिए मिल्टन पब्लिक स्कूल और माननीय केशव प्रसाद सिंह को विशेष धन्यवाद और पूरी टीम को विशेष धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ये एक तरह से देखा जाए तो भारतीय कला की जो प्रस्तुति है इसको आत्मविभोर करने वाली है। इसके लिए मैं पुनः सभी कलाकारों का धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। राजामंडी रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ विशाल रंग जुलूस हरि पर्वत चौराहा होते हुए शहीद स्मारक पर समाप्त हुआ। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।